वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों आज हम टॉप 10 मैलिफिशेंट मूवीज़ के बारे में जानेंगे, जिन्हें देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। इन मूवीज़ में ज़बरदस्त एक्शन है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 10 पर है मैक्स स्टील मूवी। 2016 में मूवी आई थी। 1 आवर 32 मिनट्स की मूवी है। 4.6 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 23% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक लड़का होता है मैक्स, जिसे मिलती है शक्तियाँ और वो बन जाता है सुपर हीरो। तो उसके बाद क्या होता है, इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 9 पर है ओवरड्राइव मूवी। 2017 में मूवी आई थी। 1 आवर 36 मिनट की मूवी है। 5.4 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 53% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। तो इस मूवी की स्टोरी है, इसमें दो भाई होते हैं और वो एक गैंग लीडर की कार चुराने की कोशिश करते हैं। क्या वो कार चुरा पाएंगे कि नहीं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 8 पर है द ट्रांसपोर्टर। 2002 में ये मूवी आई थी। 1 आवर 32 मिनट्स की ये मूवी है। 6.8 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 51% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें एक एजेंट होता है जिसे एक सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिया जाता है। क्या वो सामान ट्रांसपोर्ट कर पाता है कि नहीं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 7 पर है हेल बॉय। 2004 में ये मूवी आई थी। 2 आवर 12 मिनट्स की ये मूवी है। 6.8 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 72% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी में होता ही है, नर्क के द्वार से एक डीमन बाहर आता है और उसके बाद होता क्या है, इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 6 पर है जेआई जो द राइज ऑफ द कोबरा। 2009 में मूवी आई थी। 1 आवर 58 मिनट्स की ये मूवी है। 5.8 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 32% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी की स्टोरी है, इसमें दो टीम्स होते हैं, एक जे आई जो ऑर्गेनाइजेशन और एक कोबरा ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच एक जंग होती है। तो उसमें जीतता कौन है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 5 पर है ट्रांसफॉर्मर्स। 2007 में मूवी आई थी। 2 आवर 24 मिनट्स की ये मूवी है। 7 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 85% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी में ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की एक ज़बरदस्त जंग होती है, जिससे इंसानियत खतरे में आ जाती है। तो इंसानियत बचती है कि नहीं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 4 पर है फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। 2016 में मूवी आई थी। 2 आवर 13 मिनट्स की ये मूवी है। 7.3 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 74% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। तो इस मूवी में होता ही है, अच्छे जादूगरों और बुरे जादूगरों में एक लड़ाई होती है, उसके बाद क्या होता है, इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 3 पर है टुमारोलैंड। 2015 में ये मूवी आई थी। 2 आवर 10 मिनट्स की ये मूवी है। 6.4 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 60% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इस मूवी में एक लड़की को ये मिशन मिलता है कि वो आने वाले कल को बदले, और ये उसके बाद क्या होता है, क्या वो मिशन को पूरा कर पाती है कि नहीं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। नंबर 2 पर है एक्वामैन। 2018 में मूवी आई थी। 2 आवर 22 मिनट्स की ये मूवी है। 7 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 65% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। इसमें एक व्यक्ति होता है जो आधा इंसान और आधा समुद्री जीव होता है, जिसका नाम आर्थर होता है, और वो दुनिया की रक्षा के लिए एक खोज करता है। तो वो खोज क्या है, वो इस मूवी में दिखाया गया है। और नंबर 1 पर है मैलेफिसेंट मूवी। 2014 में ये मूवी आई थी। 1 आवर 37 मिनट्स की ये मूवी है। 7 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। 56% इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है। मैलेफिसेंट एक दयालु परी होती है, जिसे जीवन में एक बड़ा धोखा मिलता है,
उसके बाद वो अपनी बेटी से ही बदला लेती है। तो वो क्या करती है वो इस मूवी में दिखाया गया है।